मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उज्जैन आलोट संसदीय सीट पर चुनावी माहौल सबाब पर आ गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन के माहितपुर में हुंकार भारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया और अपने 75 दिन की उपलब्धियों का बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मोदी जी, जब आपको पैंट पहनना और पैजामा बांधना नहीं आता था, तब तक इस देश में नेहरू जी और इंदिरा गांधी आर्मी नेवी एयरफोर्स सैनिक स्कूल बना चुके थे। ऐसे में ये कहना है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है बताकर वोट मांगना बेमानी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मोदी ने गंगा साफ करने और शिवराज सिंह नर्मदा छिपरा साफ करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या गंगा नदी छिपरा नदी साफ हुई है? हाँ, नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण के नाम पर 600 करोड़ रुपए का घोटाला जरूर कर दिया। उन्होंने उन राष्ट्रीयकृत बैंकों को साफ चेतावनी दी कि जो किसानों का कर्जा माफ करने में नानुकुर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक वालों सुन लो, ऐसी उनकी शाखाएं नहीं चलेंगी। उन्होंने सवाल पूछा कि बैंक क्या उद्योगपतियों के लिए है। HMTV लाइव के लिए दुष्यंत वर्मा की रिपोर्ट।